जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल योगेश डिफेंस नंबर पर। यदि आपको इंडियन एयरफोर्स एक्शन बाई ग्रुप में एयरमैन बनना है तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसलिए मैं विशेषकर जो यूपी बोर्ड वाले बंदे हैं वो इंग्लिश में अच्छा नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं विशेषकर उनको समझाना चाहूँगा कि इंग्लिश को किस प्रकार पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट। जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में, दोनों में पेपर इक्वल आता है 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले क्या है इंग्लिश में, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी नॉलेज है तो आप इंग्लिश के एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें क्या है, ए नाउन। नाउन से आई थिंक एक एरर बनता है, ज़्यादातर एक एरर बनता है नाउन से। कभी नंबर से क्वेश्चन उठा लेता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लुरल नंबर। कभी जेंडर से, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। नंबर दो है प्रोनाउन, यहाँ से एरर बनता है। एडजेक्टिव है, यहाँ से भी एरर पूछ लेता है। नहीं, डिग्री तो आती है एक नंबर की डिग्री जरूर पूछता है पेपर में, यहाँ से कभी कभी एरर आती है एडवर्ब में, या एडवर्ब से एडजेक्टिव पूछ लेता है, या एडजेक्टिव से एडवर्ब पूछ लेता है। वर्ब पूछता है वर्ब से एडवर्ब, एडवर्ब से एडजेक्टिव। अगला है कंजंक्शन, यहाँ से एक एरर बनती है कंजंक्शन से। ये टेंस का ही एक रूप है। एक प्रीपोजिशन से कभी दो क्वेश्चन, कभी एक क्वेश्चन। इंटरजेक्शन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे है टेंस। टेंस बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पेसेज में काम आता है, ये वॉइस में, ये नरेशन में, ये वॉइस में। यदि आप टेंस क्लियर करते हैं तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और नरेशन को आप आसानी से कर सकते हैं। टेंस से एरर बन सकती है। एक्टिव वॉइस एक नंबर का फिक्स है, नरेशन एक या एक से दो मार्क्स की फिक्स है, आर्टिकल एक से एक दो मार्क्स फिक्स है। और अगला है आर्टिकल। आर्टिकल बहुत इजी है, ए एन द। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो तुमने यूनिक पढ़ने होते हैं जिनमें ए एन द का यूज पूछ लेता है। ये पी क्यू आर एस आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ही भाग है, इससे एक एरर बनता है। और कुछ है पी क्यू आर एस, एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन बनता है। पैसेज चार से पांच नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है पैसेज से। अगला है सिनोनियम्स, एक से दो सिनोनियम्स पूछता है। एंटोनियम्स भी एक से दो पूछता है। और वन वर्ड है एक से दो पूछता है। और इडियम्स फ्रेजेस भी एक से दो पूछता है। तो आपका ये जो सिलेबस है ये फिक्स है, इससे अलग कुछ नहीं आएगा इंग्लिश के पेपर में। यदि आप, मैं आपको, और ये आपका जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग से मिस स्पेल्ड बनता है एक नंबर का। और बताता हूँ मैं, यदि आप इस सिलेबस को आसानी से पढ़ेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये फिक्स है। एयरफोर्स एक्शन बाई ग्रुप के पेपर में कोई अच्छी ऊपरी इंग्लिश नहीं आती है, इनसे ही नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, जो आप को कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं करें और कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, मैं आपको बहुत ही एडवांटेज दूंगा इंग्लिश के सिलेबस में। ये जो फिक्स सिलेबस है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, ये गारंटी है।
वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।